कोई कहे कि अब हमारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा,
तो उसने कहा कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात हम खूब जानते हैं। तो ऐसे लोगों में कुछ नास्तिक होते हैं, ऐसा कहने वाले जो लोग होते हैं ना कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, उसमें थोड़े से नास्तिक होते हैं। तो उनकी पहचान क्या है कि जब वेदांत का ज्ञान होता है तो इसके पहले जो जन्म हुए हैं वे और अब जो जन्म है सो और आगे जो जन्म होने वाले हैं वे तीनों कट जाते हैं। और जो नास्तिक होते हैं ना वो ये तो कहेंगे कि हमारे अगले जन्म नहीं होंगे, लेकिन ये जन्म नहीं हुआ है ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। ये देह माँ है, बाप है, देह है, बेटा है, बेटी है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, गृहस्थ है, सब कुछ दिखता है, पर जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसकी दृष्टि में ये सब गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोला तो जो कहे कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा और ये जन्म हमारा है, आजकल ज्यादातर वेदांत के नाम पर नास्तिक लोग जो हैं वो यही धारणा बनाते हैं, ये जन्म तो है, इसमें खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही जगत का मेला है। एक नेचर उनके साथ लगी रहती है, नेचर नेचर माने नेक्चर, जो नीचे जाए, नेक नीचीनम चरति इति नेक्चर, जो हमेशा नीचे की तरफ जाए, वो नेचर उनके साथ लगी रहती है और नेचर की मान पूरी करते हैं और अगले जन्म के बारे में नास्तिक होते हैं। एक नास्तिक की दूसरी भी पहचान आपको बताते हैं, वो जगत का उपादान कारण तो मानता है, माने जिस मसाले से ये दुनिया बनी है, मिट्टी है, पानी है, आग है, परमाणु है, शक्ति है, मैटर है, एनर्जी है, ऊर्जा, ऐसा कुछ तो है जगत के मूल में, परंतु जिसको बनाने वाला ईश्वर नहीं मानता है, वो जगत का उपादान कारण मानता है और निमित्त कारण नहीं मानता। नास्तिक की एक पहचान तो ये है, और ये जन्म मानता है और अगला जन्म नहीं मानता है, ये दूसरी पहचान ये है। तो नास्तिक लोगों की मान्यता के साथ हमारी जो शास्त्रीय मान्यता है उसको नहीं मिलाना, ये बिल्कुल अलग चीज है। वो तो भगवान ने कहा कि मुझे अगर प्राप्त हो जाए कोई तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो निर्गुण तत्व का ज्ञान हो तब भी पुनर्जन्म नहीं होगा, और सगुण तत्व से सायुज्य हो जाए तब भी पुनर्जन्म नहीं होगा, और योग के द्वारा यदि सूर्य मंडल का भेदन करके क्रम मुक्ति प्राप्त कर ले तब भी पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन जो लोग कामना के वशीभूत हो करके संसार की वस्तुओं में तो आ सकते हैं, स्त्री में पुरुष में दोनों के संबंध में फंसे हुए हैं, धन में दौलत में कुर्सी में, तो इस जन्म में तो वो चीज उनको चाहिए और अगले जन्म में न मिले इसमें रुकावट डालने वाला कौन है। तो वो वासनावान प्राणी जो है वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब आपको एक दूसरी बात सुनाते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो वेदो, ये मनुस्मृति में ठीक इसी ढंग से बात कही हुई है। मनुस्मृति में बड़े विस्तार से इन युगों की गणना की गई है, कई श्लोक हैं। ब्राह्मस्य तु क्षयाहस्य, ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य, जत प्रमाणम समासतः, एकैकसो युगानां तु क्रमशस्तान् निबोधत, चत्वार जाहु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्, ऐसे ऐसे वर्णन करके
ये बताया है कि बड़े बड़े विद्वान इस बात को समझते हैं कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा और ब्रह्मा की रात कितनी बड़ी, साधारण लोग नहीं समझते हैं। ये बात मनुस्मृति में कही, एताम द्वादश सहस्त्रीं जुगाख्याम कवयो विदो। साधारण लोग इस दिन मान को नहीं समझ सकते, रात्रि मान को नहीं समझ सकते, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वे इसको समझ सकते हैं। कपला दिन रात समझने में विद्वान का क्या काम है, वो तो मूर्ख ही समझ ले। देखो हम लोगों के दिन होता है रात होती है, और रात में चंद्रमा और मन की शक्ति बढ़ जाती है, और दिन में सूर्य की और बुद्धि की शक्ति बढ़ जाती है और आंख की शक्ति बढ़ जाती है। ये बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। दिन में नेत्र की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, आदमी व्यवहार परायण हो जाता है वो, और रात्रि में चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है और मन की शक्ति बढ़ती है। उस समय वो वासना संकल्प भोग ज्यादा करना चाहता है। ये रात का समय जो है ना, इसी से इसके लिए निशाचर शब्द का भी तो प्रयोग आता है ना। निशीचर, निटचर, निशाचर, ये शब्द आते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का दिन रात जानने में क्या तारीफ है। असल में जो ब्रह्मा जी के लोक में जाए सो जाने, तो वहां जाना भी मुश्किल है। बुद्धि से भी ब्रह्मलोक तक पहुंचना बड़ा कठिन है। अब आपको हिसाब एक बार फिर से सुना देते हैं। 4,32,000 बरस का कलयुग और 8,64,000 बरस का द्वापर और 12,96,000 बरस का त्रेता और 17,28,000 बरस का सतयुग, ये हिसाब है। कुल मिलके 43,20,000 बरस एक चतुर्युगी में होती है, ये हम लोगों का। और इसको कर दो 1,000 गुना सहस्त्र युग पर्यंतम, माने 4,32,00,000,000 वर्ष हम लोगों के हिसाब से। इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन और इतनी बड़ी रात्रि, और इसी हिसाब से पक्ष, फिर महीना, फिर वर्ष, फिर 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को पंचभूत नहीं कहते हैं और विराट भी नहीं कहते हैं। ये ब्रह्मांड जो है, ये पंचभूतों के मसाला से बना हुआ एक सन्निवेश विशेष है। जैसे हम लोगों का देह होता है, ऐसे ये ब्रह्मांड एक देह है, और जैसे हम लोगों के देह में जीव होता है, वैसे ब्रह्मांड के देह में जो जीव है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसे ऐसे ब्रह्मांड होते हैं अनगिनत, जिसमें एक एक ब्रह्मा, एक एक रुद्र और एक एक विष्णु सब में रहते हैं। माने ब्रह्मा विष्णु रुद्र की यदि कोई गणना करना चाहे तो गणना कर सकता हो, क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड रोज पैदा होते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है वो समा जाते हैं क्षण क्षण में। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय होता है। इससे आप अनंत को समझने में, अनंत वस्तु का अर्थ क्या होता है इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो अब ये है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा, यदि आप ये शरीर धारण करके देखते हैं तो बड़ा भारी मालूम पड़ता है, और यदि रूप आप धारण कर लें वो नारायण हो जाए, कौन से नारायण है? आप कल्पना में अपने को नारायण बना लें, नारायण, तो
जस्य समन्ततो रोमगूपेषु अनन्तानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलन्ति। उपनिषद वर्णन करते हैं कि वो जो परमेश्वर है उसके एक एक रोए के गड्ढे में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जो है वो उठते और गिरते रहते हैं। कितना बड़ा होगा। हमको ये बात एक महात्मा ने समझाई थी वो पहले, तो जिस दिन ये बात समझ में आई कि ब्रह्मा का शरीर तो ब्रह्मांड बराबर है और विष्णु के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मा विष्णु तो वो जो ब्रह्मांड में रहते हैं और एक वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहते हैं और एक वो परमेश्वर जिसके एक एक संकल्प में एक एक ब्रह्मांड नहीं है, जिसके एक एक संकल्प में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो परमेश्वर, और वो परमेश्वर जो है वो संकल्प रूप माया से यदि न्यारा करके देखा जाए तो शुद्ध ब्रह्म तत्पद लक्षा। और हमारी जो आत्मा है त्वम पद लक्ष्यार्थ वो वही तत्पद लक्ष्यार्थ है। ये जो मेकर मानते हैं और बनाने वाले को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, और जो ये जन्म मानते हैं और अगला जन्म नहीं मानते हैं वो भी नास्तिक हैं। उन्होंने तो ब्रह्म तत्व के संबंध में अभी कोई विचार किया ही नहीं है। अब जरा देखो हम कितने बड़े, तो ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक महीना, ब्रह्मा का एक वर्ष, ब्रह्मा का 100 वर्ष और ऐसी ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा होती और मरते रहते हैं। साधु हम पलटू हम मरते नहीं, साधु करो विचार, साधु करो विचार, हम ही कर्ता के कर्ता। पलटू बाबा कहते हैं निराकार साकार रूप धरी आयो कई एक बारा, सपने हुए हुए मिट गए रहे हो सार को सारा। ये आत्मा तो ऐसा अनंत ऐसा परिपूर्ण है, तो बात ये हुई कि ब्रह्मा के दिन रात को देखने वाले भी होते हैं। जिन लोगों को सद्योग मुक्ति प्राप्त हो गई, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो गया, उनको तो ब्रह्मा का दिन गिनने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनको सगुण ईश्वर की प्राप्ति हो गई उनको भी ब्रह्मा का दिन गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रम मुक्ति के ढंग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, तो उनके बारे में ये नियम होता है कि जब ब्रह्मा की मुक्ति हो तब उनकी मुक्ति हो, तब वो ब्रह्मा का दिन गिनना शुरू करते हैं कि बाबा ये बुढ़ा कब तक रहेगा, बोला ये कब तक रहेगा बुढ़ा। एक दिन एक बालक आया हो हमारे पास, तो छोटा ही था, 15 बरस का होगा, तो उस तरह से अपनी मूंछ उसने बना रखे थे चिकनी चिकनी, तो मैंने पूछा कि ये क्यों उस तरह तो क्यों फिराता है मूंछ पर, अभी जरा कट गया था। ये हमारे बाप तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन जब मैं कोई बात कहता हूँ कि ये बात ऐसे करनी चाहिए तो कहते हैं कि अभी तो तेरे मूंछे दाढ़ी नहीं आई, कल का बच्चा हमको सिखाने चला है, तो हमारी मूंछ जल्दी बढ़ जाए इसके लिए हम उस तरह तैरते हैं। बच्चे सोचते हैं हो ऐसा, तो जो लोग क्रम मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा की मृत्यु के साथ जब ब्रह्मा मुक्त होंगे, अपना अधिकार काल पूरा करके तब मुक्त होने वाले हैं, उनको ब्रह्मा का एक एक दिन बड़ा भारी मालूम पड़ता है और ब्रह्मा की एक एक रात भी बड़ी भारी मालूम पड़ती है। कब इनके 100 वर्ष पूरे होंगे और मुक्त होंगे, वो बेचारे जो वहां मुमुक्षु होते हैं, जो जाकर के ब्रह्मलोक के भोग में लग जाते हैं,
कहो भाई ब्रह्मलोक में बड़ा भोग है, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में क्या फर्क है वो भी आपको थोड़ा सुनाता हूं। स्वर्ग में वासना होती है और वासना के अनुसार वस्तु मिलती है। स्वर्ग में गए हुए जीव के मन में अप्सरा की वासना हो तो उसके पास अप्सरा आवेगी। ब्रह्मलोक वो है जहां अप्सरा की वासना ही नहीं होगी, निर्वासन लोक है वो, वहां विषय भोग की वासना नहीं होती। सब लोग अपने आप में मगन रहते हैं और यही ख्याल रहता है कि जब ब्रह्मा जी की अवधि पूरी होगी तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो उन मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को वो ब्रह्मा का समय बड़ा लंबा मालूम पड़ता है, तो वही गिनते रहते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा और ब्रह्मा जी की रात कितनी बड़ी, ये निकले। तो एक बात तो ये बताई कि ब्रह्मा की आयु भी छोटी है, काल की गणना के अंदर आती है, वो भी मरते हैं, तो ब्रह्मलोक की वासना भी अपने मन में मत रखो, अभी अभी परमात्मा को प्राप्त करो, नहीं तो जाके दिन रात गिनने पड़ेंगे ब्रह्मा के। भला कल्पलोक में पहुंच गए तो दिन रात गिनने पड़ेंगे। तो जब परमात्मा की प्राप्ति अभी हो सकती है तो उसके लिए ब्रह्मा के मरने का इंतजार करना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो संसार के विषयों से वैराग्य करा करके उस अनंत परमात्मा में लोगों की वृद्धि ले जाने के लिए इसका वर्णन है। दूसरे, अनंत को आखिर कैसे पहचानोगे? किसी की गिनती जो है ना, गिनती जो होती है ना, इसके जोड़ का नाम ईश्वर की आयु नहीं है। जैसे आप देखो, एक एक दो होता है, पांच पांच दस होता है, तो दो गिनतियों का जोड़ होता है ना, और परमात्मा का जो अविनाशी पना है वो वर्षों की गिनती में, कल्पों की गिनती में नहीं आता है। तो उसको जानने के लिए का पूछो साधो, का उम्र तुम्हारी हो, है ना? हे साधु, तुम क्या पूछ रहे हो कि तुम्हारी उम्र क्या है? कोटि कल्प ब्रह्मा भये, दस कोटि कन्हाई हो, छप्पन कोट जादव भये, मेरी एक पलाई हो। का पूछो साधो, उम्र हमारी हो। कहे साधो, तुम हमारी उम्र क्या पूछ रहे हो? कोटि कल्प ब्रह्मा भये, कोटि कल्प के तो ब्रह्मा हुए, और दस कोटि कन्हाई हो, और दस करोड़ कन्हाई हुए, और छप्पन कोट जादव भरे, मेरी एक पलाई हो। ये मेरा एक पल है, एक मेरा पल, मेरी उम्र के बारे में तुम क्या पूछ रहे हो? तो ये जो सारी सृष्टि है, काज वसुंधी ने कहा कि 27 बार रामावतार मेरे सामने हो चुका और उनको बच्चों की तरह खेलते मैं देख चुका। बोला जैसे ईश्वर की माया होती है ना, वैसे साधुओं की माया भी बड़ी विलक्षण होती है। प्रपंच से वैराग्य और परमात्मा में वृद्धि को ले जाना, छोटी छोटी चीजों में अपने मन को नहीं फंसाना, ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारा सुख। छोटी छोटी वस्तुओं से बनने वाला और बिगड़ने वाला नहीं है। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसका कोई किसी से वैमनस्य था, तो क्या करता कि जिससे दुश्मनी थी ना, वो जो उसके सामने से निकलता तो जरा ऐसी बड़ा टेढ़ी आंख करके उसकी ओर देख लेता, बोलता कुछ नहीं। अब वो तो आग बबूला हो जाते, तो कोई पूछता, भाई उन्होंने क्या किया, क्यों गाली दे रहे हो? तो बोले, हमको देख के इन्होंने आग अपनी टेढ़ी कर ली, है ना? अच्छा, फिर
थोड़ी देर के बाद जब चुप चुप होता और उसके सामने से निकलता तो अंगूठाइयों कर देता और वो गाली देने लगता। फिर गाली दे के परेशान होता, लोगों ने पूछा कि भाई क्यों गाली देते हो, इसने हमको अंगूठा दिखा दिया। वो कहता है ना मैंने आंख दिखाई न तो अंगूठा दिखा, हमारे यहाँ कई वैसे ये क्या करें, है ना, हमारा हाथ वैसे हो जाता है, अब इनको क्या हम इनके सामने अपना अंगूठा नहीं लाए, है ना, क्या हम लोगों की तरफ देखे नहीं, हम क्या करें, हमारा कोई दुख है, ये क्यों हमारी आंख की ओर देखते हैं, ये क्यों हमारा अंगूठा देखते हैं, है ना, मत देखे हमारा अंगूठा, मत देखे हमारी आंख, हम तो अपने सहज स्वभाव से कर रहे हैं। अब उन्होंने तो अपने चिढ़ने की जगह बना ली ना, सामने वाला पहचान गया कि अंगूठा दिखाने से चिढ़ते हैं, ये आंख टेढ़ी करने से चिढ़ते हैं, अब दिन भर उनको चिढ़ा रहे हो, अब इसमें चिढ़ाने वाले का कोई दोष नहीं है बेटा, उस चिढ़ने वाले का दोष है जो बारम्बार उस आंख की ओर देखता है, उस अंगूठे की ओर देखता है। दिल को ठीक करके रखना चाहिए ना, ये जो साधना का क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, हम लोगों ने बचपन से यही सीखा है कि अपने एक एक बात आपको शायद अच्छी लगे ना लगे पर बात सच्ची है ना, और सच्ची बात जो है दुनिया में होती है उसको कह देने में हमको क्या शर्म है ना। वृंदावन में रासलीला होती है, रासलीला उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में रोज रासलीला होती थी। तो एक दिन एक स्त्री ने आके उड़िया बाबा जी महाराज से शिकायत की कि जब मैं लीला में बैठती हूँ तो स्त्रियां एक और बैठती, पुरुष एक और बैठते, अमुक पुरुष जो है वो बार 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 मेरी ओर देखता। तो बाबा हंस गए, उसने कहा महाराज मैंने तो शिकायत की और आप हंसते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुमको कैसे मालूम पड़ता है कि वो तुम्हारी ओर देखते रहते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है, हैं? अरे तू जब उनकी ओर देखती होगी तभी तो मालूम पड़ता होगा ना, तो तू उनकी ओर मत देख बाबा, अपनी आंख नीची कर, हैं? और तुम्हारी ओर जो देखता है उसको देखने दे, उसकी आंख को थोड़ी फोड़ सकती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी आंख दुरुस्त करना, अपना मन दुरुस्त करना, अपना चरित्र ठीक करना, अपने को ठीक रास्ते में ले चलना, ये तो साधना का मार्ग है ना? और जब बोले कि दुश्मन को ठीक कर देंगे और हम ठीक होंगे, तब रास्ता गलत हो गया, ये साधना का मार्ग नहीं हुआ। तो आओ छोटी छोटी बातें जो दुनिया की हैं उधर से अपने मन को हटाएं। कौन क्या कह रहा है किसी की जबान बंद नहीं कर सकते। तो अगर तुम चाहो कि कोई हमारे खिलाफ न बोले तब हम सुखी होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपने सुख को तिलांजलि दे दी, अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरे की जबान तुम पकड़ सकते हो। हमारे खिलाफ कोई न चले तब हम सुखी होंगे, कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत बात है। अपने मन को ठीक करना ये ठीक रास्ता है और इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। तो ब्रह्मा भी मर जाते हैं, क्या परवाह है जब मर ही जाएंगे। एक बार की बात है, एक आदमी ने उड़िया बाबा जी महाराज से शिकायत की हो, आश्रम चलते हैं, लोग आते हैं जाते हैं तो सब तरह की बात होती है ना। शिकायत की एक ने कि महाराज वो जो आदमी फलाना है वो हमारी बड़ी निंदा करता है। तो बाबा ने कहा कि बेटा तुमको मालूम नहीं है उसकी तो आयु अब समाप्त हो गई है, थोड़े दिनों में मर जाने वाला है, तो अब उसकी बात का क्या ख्याल करते हो, बस बड़ा खुश हुआ कि अच्छा मर जाएगा, है ना, वो आदमी तो खुश हो गया कि अच्छा अब वो हमारी निंदा करने वाला मर जाएगा, खुश हो गया, वो पहले निंदा से दुखी था और मरने की बात सुन के खुश हो गया, है? और कहो कि वो आदमी मर गया होगा तो नहीं, अभी तक वो जिंदा है, बोला इस बात को 25 बरस हो गए वो अभी तक जिंदा है। बोले उड़िया बाबा जी ने ऐसा क्यों कह दिया, कि ये तो मन को बदल देने की युक्ति है, बोला ये मन को बदल देने की युक्ति है, जो निंदा से दुखी था
वो अपने दुश्मन की मौत की कल्पना करके खुश हो गया और वो मरा नहीं, दुश्मन मर गया वो तो बात नहीं है। तो दुनिया का जो हल्कापन है उसको उसको समझना चाहिए। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामस्यैवायं भूत्वा प्रलीयते अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः। जितनी व्यक्तियां हैं तो आजकल हिंदी में व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए होता है, खास करके मनुष्य के लिए होता है, अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति। और संस्कृत भाषा में चाहे जड़ हो चाहे चेतन, जो किसी से भी अलग हो करके प्रकाशता है उसको व्यक्ति बोलते हैं। जैसे गुलाब के दो फूल हैं तो दोनों दो व्यक्ति हैं, एक फूल से अलग दूसरा फूल है, दूसरे फूल से अलग पहला फूल है, तो दोनों दो व्यक्ति हैं। का आपने दो खिलौने बनाए मिट्टी के, तो वो खिलौने में दो व्यक्ति हुई। व्यक्ति माने जो किसी से भी अलग जाहिर हो रही है उसको व्यक्ति कहते हैं। जाहिर होना ही व्यक्ति है, दो का दोपना व्यक्ति है, छोटे का छोटेपना व्यक्ति है, बड़े का बड़ेपना व्यक्ति है। व्यक्ति माने जाहिर होना, व्यंजित होना, जैसे इति जो व्यंजित होती है, जो किसी भी इंद्रिय से मन से मालूम पड़ती है कि ये जुदा है और ये जुदा है उसको व्यक्ति कहते हैं। तो ये जितनी अलग अलग व्यक्तियां हैं, स्त्री व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, मनुष्य व्यक्ति, पशु व्यक्ति, पक्षी व्यक्ति, पुष्प व्यक्ति, घास व्यक्ति, ये जितनी व्यक्तियां अलग अलग होती हैं, ये सब जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तब अव्यक्त में से व्यक्त हो जाती हैं। अव्यक्त माने अनजाहिर, जैसे मिट्टी थी ना तो उसमें घड़ा व्यक्ति कहाँ थे, घड़ा निकल आया। अरे एक आम का बीज था उसमें आम का वृक्ष कहाँ था, पर निकल आया। तो किसी भी बीज में से अंकुर का जाहिर हो जाना ये व्यक्ति है। और बीज जो है ना, अलग अलग बीजों का होना भी व्यक्ति है। ये आम्र बीज की व्यक्ति है, ये अंगूर बीज की व्यक्ति है। तो जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सब व्यक्तियां अव्यक्त में लीन, और जब ब्रह्मा जी जागते हैं तब सब व्यक्तियां अव्यक्त में से जाहिर होती हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे। बड़ी अद्भुत लीला है ये। देखो जब आप सोते हो तब क्या होता है, माँ बाप बहन बेटी भाई पति पुत्र कहाँ चले जाते हैं सोने के बाद, तो बोले सब अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, कहाँ रहते सोए हैं, परंतु तुम्हारे मन में जो संबंध है ना, माँ बाप बेटी भाई बेटा, ये संबंध कहाँ जाते हैं उस समय है? कई अनजानी जगह में जाके समा जाते हैं। और जब आप सो के उठते हो तब क्या होता है, तो वो सब के सब रिश्ते बाहर निकल आते हैं। आपने सुषुप्ति का वर्णन पढ़ा होगा उपनिषद में, तत्र माता अमाता भवती, पिता अपिता भवती, देवा अदेवा भवंती, वेदा अवेदा भवंती, है ना। जितनी मनःकल्पित सृष्टि है, सो जाने पर माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है। बोले वो तो है तो अपने अपने पलंग पर सब सो रहे हैं। करे सोते होंगे तुम्हारे मन में जो उनसे रिश्ते का भाव था, संबंध था, वो कहाँ गया।
तो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब उनके सब भेदों का भाव उनके साथ सो जाता है। वो ब्रह्मांड शरीर है, वो उनकी आंख, उनके कान, उनकी नाक, उनकी जीभ, उनका मुंह, उनका हाथ, उनका पांव है ना, और उनके शरीर में कल्पित जो लोग विश्वास के साथ सो जाते हैं, और जब दिन आता है तो उनके साथ सब निकल जाते हैं। ये ब्रह्मा की सुषुप्ता है, ऑब्जेक्ट माने प्रकृति नहीं है, ये ब्रह्मा की सुषुप्ति अवस्था है। तो अब ये क्या है, ये अव्यक्त संघ के कहने का भी अभिप्राय है। तो बोले उस अव्यक्त को किसी ने देखा होगा, नहीं नहीं, उस अवस्था का नाम हम अव्यक्त रखते हैं, अव्यक्त संघ के। जैसे कोई किसी अवस्था की कल्पना करके उसका नाम कर दे, या है बा है सा है ना, अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन प्यारागमे। संसार में जितनी व्यक्तियां हैं वो पैदा होती हैं, संसार में जितनी व्यक्तियां हैं वो मर जाती हैं। तो कैसे होता है, हम एक बार अयोध्या जी में गए, बड़ा भारी मेला वहां लगा, तो पंडित राम वल्लभा शरण जी वहां के बहुत बड़े महात्मा थे, विद्वान, और हम पहले से उनके पास जाते थे। उनका चमत्कार बड़ा प्रसिद्ध था, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, पर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो आश्चर्य होता था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आजकल ब्राह्मणेतर लोग जो हैं वो संस्कृत विद्या में इतनी रुचि नहीं रखते, वो तो ऐसे BA में जितना अंग्रेजी के साथ संस्कृत पढ़ाया जाता है उससे प्राय पढ़ते हैं, और उससे पढ़ने के कारण संस्कृत की गहराई में उनका प्रवेश नहीं होता है, और वो तो ब्राह्मणेतर होकर के संस्कृत के इतने अगाध विद्वान। तो हम लोग उनका सत्संग करने के लिए जाते थे, महात्मा भी। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उन्होंने हनुमान जी की आराधना की, तो हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि आज दिन भर 24 घंटे में तुम जितने ग्रंथ अपनी आंख से देख लोगे उनमें लिखी हुई सारी विद्या तुम्हारी समझ में आ जाएगी। तो किसी बहुत बड़े ग्रंथागार में, पुस्तकालय में चले गए और वहां जाके पुस्तकें देख ली, ऐसा उनके बारे में मशहूर था वो चमत्कार। तो हम भी कभी कभी जाके शास्त्र की कोई बात उनसे करते थे, पूछते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इस मेले में कोई बहुत बढ़िया संत आया हो तो आप बताओ। तो उन्होंने एक नाम बताया कि अमुक संत हैं और वो छप्पर डाल के वहां पड़े हैं, तुम उनके पास चले जाओ। उनके पास गए, सृष्टि का प्रसंग चला कि सृष्टि कैसे होती है। तो ये जो भगौना होता है ना अपने घरों में, पतीली भगौना बोलते हैं गुजरातियों के घर में, तो बहुत होता है तपेला, तपेला। तो वो मैंने देखा कि कई लोग तो अपने घर को सजाते हैं उससे, चारों तरफ हो तपेले तपेले तपेले, और बड़ा चमाचम साफ करके रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे सबसे बड़ा तपेला हो तो उसमें उससे छोटा, और फिर उसमें उससे छोटा, और फिर उसमें उससे छोटा, है ना, एक बड़े तपेले में 25 छोटे तपेले रख दिए, तो एक तपेले के रखने की जगह में 25 तपेले रखे जाते हैं। उधर भगौना बोलते हैं, है ना, कोई पतीली बोलते हैं। तो ये जब प्रलय होता है ना, ये जितनी व्यक्तियां हैं समझो सबका शरीर मर गया तो मिट्टी में रख गया, और समूचा मिट्टी पानी में रख गया, और समूचा पानी आग में रख गया, समूची आग वायु में रख गई, समूचा वायु आकाश में रख गया, समूचा आकाश है ना तामस अहंकार में रख गया,
तामस अहंकार राजस अहंकार में संपूर्ण प्राणों और क्रियाओं के साथ, और वो सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार जो है वो महत्व में, महत्व तक ये सब जितनी छोटी छोटी पतीली थी भगवने से तो पहले तो साथ छोटे को बड़े में, छोटे को बड़े में रखते रखते चले गए, है ना। ईश्वर के आभास से युक्त जो प्रकृति है उसमें साथ के साथ रख दिए गए। कब क्या हुआ, कब व्यक्तियां जो हैं वो अव्यक्त में रख दी गई, और फिर जब रसोई बनाना हुआ था सबको फैला दिया, निकाल दो 25 जगह घेर ली उन्होंने, अव्यक्त में से मान, मान में से अहंकार, अहंकार में से मान और पंच तन्मात्रा और पंचभूत, और पंचभूतों में फिर नाना प्रकार के स्त्री पुरुष ये सब एक में से निकले हो। बोलिए है क्या, देखो आपको ये इसलिए भी सुनाता हूँ कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो पढ़ते शायद ज्यादा हुए। सुना हमारे पास गीता के संबंध में जो साहित्य है वो सबके पास होना तो जरा संभव नहीं है, पर कोई कोई विद्वान हो तो उनके पास हो भी सकता है। जितने भाष्य, जितनी टीका हमने, कोई समझो गीता प्रेस ने एक संग्रह किया था, तो अब से 30-35 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में 150 भाष्य गीता प्रेस के पास थे, उनका उन्होंने पुस्तकालय बना के रखा था, और कोई 2000 प्रकार की भाषाओं में, जैसे मराठी और तमिल और तेलुगु और नेपाली और है ना चीनी और जापानी, इन भाषाओं में कोई 2000 के लगभग भिन्न भिन्न भाषाओं में उसकी टीका थी। तो कोई पढ़ते होंगे हम मान लेते हैं इस बात को, परंतु साधुओं से जो बात मैंने सुनी है ना वो आपको 150 संस्कृत की टीकाओं में और 2000 भिन्न भिन्न भाषाओं की टीका में है ना लिखी मिलना मुश्किल है। भूत ग्रामस्तवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। देखो भूतक ग्राम शब्द का अर्थ महात्मा ने बताया कि ये भूतों का गांव है। भूतों का गांव कैसा होता है, जैसे श्मशान होता है श्मशान, तो उसमें मांत्रिक लोग यांत्रिक लोग पहले जा करके कोई मुर्दे के ऊपर बैठ करके भूत सिद्ध कर देते हैं, तो उनको श्मशान में क्या मालूम पड़े, उनके दिमाग से ही मालूम पड़े, समझो दिमाग से मानसिक कल्पना, ये देखो भूत है, ये भूतनी है, ये उसका बेटा है, ये बाजे बज रहे हैं और ब्याह हो रहा है, रोशनी हो रही है, आप देखना भूत के अनुभव करने वाले जो भूत के अनुभवी लोग हैं ना वो लोग ये सब बताएंगे कि उनको क्या क्या तमाशा दिखता है। लेकिन जब वो मंत्र जब देवता जगता है ना तो सबका दिखना बंद हो जाता है, जब डराना होता है तो वो सब दिमाग में से निकल के बाहर नाचते हैं, भूतों का नाच होता है, उनके ब्याह होता है, भूत की भूतनी होती है, उसका बेटा होता है, सारा भूतों का गांव दिखाई पड़ता है, और जहां मन प्रसिद्ध हुआ वहां सब गए। तो ये जो भूतक ग्राम, ये जो भगवान शंकर का श्मशान महाश्मशान चेत रहा है महाश्मशान, और उस महाश्मशान में ये जो मनुष्यों का पशुओं का पक्षियों का चीटों का माटों का देवताओं का दैत्यों का ये जो स्वर्ग लोग पाताल लोग मर्द लोग और देखो वो तमाशा वो जादू का खेल है ना, ये देखो एक घूंट पानी में से शरीर निकल आया, ये देखो एक बीज में से पेड़ निकल आया है, ये जो खेल है ना ये जो जादू का खेल दिख रहा है भूतक ग्राम बोलते हैं इसको, भूतक ग्राम ये शंकर भगवान का ये महाश्मशान चेत रहा। भूतक ग्राम सैवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये भूतों का गांव
ये प्राणियों का समूह, भूतग्राम माने प्राणियों का समूह, उद्भिद, ये बड़ा भारी हरा भरा बगीचा दिख रहा है, क्या हुआ, कहां से बना, यहां तो बगीचा ही नहीं था। हमको लोग जो देख देख के आते हैं ना वो बताते हैं, यहां तो बगीचा नहीं था, बगीचा कैसे हो गया, जादू का खेल, यहां तो कोई प्राणी नहीं थे, उद्भिद नहीं थे, कहां से हुए, यहां नहीं थे, श्वेत से पैदा होने वाले कमल नहीं थे, चार जुए आपके बाल में नहीं थे, कहां से आए, इसका नाम भूतग्राम है, वो पहले नहीं थे, पैदा हो गए और फिर मिट जाते हैं। तो जैसे आपके सिर में जुए पैदा हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, जैसे आपकी खाट पर खटमल पैदा हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, जैसे बीज से वृक्ष पैदा हो जाते हैं, वैसे ये सृष्टि हुई है। और वो तुम्हारे सामने हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, महात्मा बन रहा है, दुरात्मा बन रहा है, ये तुमको अगर चमत्कार नहीं मालूम पड़ता कि एक बूंद पानी में से ये हाथ पांव सिर और ये शरीर कैसे निकल आया, अगर ये तुमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता तो दुनिया में तुमको कोई चमत्कार दिखा नहीं सकता। क्या चमत्कार कोई दिखावेगा, सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारी आंखों के सामने ये तैर रहा है, ये देखो ना मैं चमत्कार हूं, तुम चमत्कार हो, ये ईश्वर का चमत्कार देखो है? माटी में से जीव निकलते हैं, ये देखो ना, सूरज में से पानी बरसता है, ये देखो चमत्कार, ये ईश्वर का चमत्कार देखो, तो ये क्या है, इसी का नाम भूतग्राम है। हो भूतग्राम, जला देने पर जो चीज राख हो जाती है, अगर वो राख से न्यारी दिख रही है तो इसका नाम चमत्कार हुआ कि नहीं। ये मनुष्य का शरीर, ये पेड़, ये पौधा, ये स्त्री, ये पुरुष, जला देने के बाद आखिर में क्या होते हैं, राख, राख की ढेर, ये भभूत में से ये दुनिया निकली है, इसलिए जब इसका आखिरी समय आता है तो भभूत बन जाती है, ये भभूत है, भभूत, इसी को बोलते हैं शंकर जी के महाश्मशान में, भूतग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलियते, राख के ढेर में से, राख के ढेर में से ये दुनिया निकलती है और राख के ढेर में समा जाती है। हमारे मुकलपुर के बाबा थे, याद आ जाती है पुरानी बात को सुना देते हैं, तो वैसे तो वो विंध्याचल के पास रहते थे, उनकी जो जन्मभूमि थी बताया नहीं कभी उन्होंने, पर जन्मभूमि वहीं थी, 12 बरस की उम्र में निकले थे घर से और 16 बरस तक नर्मदा के किनारे पर उन्होंने समाधि लगाई थी, वो उनका सिर ऐसा था। और 40 वर्ष पहले जब हम लोग उनका सत्संग करने के लिए जाते थे, तो जब हम लोग जाते थे उससे 40 वर्ष पहले वो गंगा किनारे आए थे, वो कहते थे नंगे थे, नंगे ही रहते थे, और कहते थे कि मैं जब यहां आया और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो तो अद्भुत थे, मस्त थे, एक खेल सोचा, एक खुरपा रखते थे वो हाथ में, बस यही उनका संग्रह था, खुरपा खोद मिट्टी खोदने का, तो जब कहीं शौच जाते थे ना तो पहले गड्ढा खोद के शौच जाते थे और उसमें ढक देते थे, इसके सिवाय और कोई चीज उनके पास थी नहीं, न कुटिया न चेला न मददगार कुछ। तो बोले कि मेरे मन में सूझा कौतुक और मैं गंगा 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 मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो कोई 6 महीने के बाद एक दिन क्या देखता हूं कि गंगा जी की धारा में से वो लाल साड़ी पहने और वो दिव्य मूर्ति गंगा जी की हमारे सामने आ गई, ऐसा उन्होंने खुद बताया था, उनका बताया हुआ बताता हूं।
और गंगा जी ने कहा कि क्या चाहिए तुमको? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो तुम काहे को गंगा गंगा चिल्लाते थे? हमारी मौज आ गई, हम गंगा गंगा चिल्लाने लग गए, हमको चाहिए तो कुछ नहीं तुमसे। तो बोले कि देखो एक बात मैं बताती हूँ तुमको, गंगा जी ने कहा ऐसा। वो कहते थे कि ये मांस की जितनी पुतलियां ये धरती पर चलती फिरती दिखाई पड़ती हैं ना, ये मांस के पुतले, ये सब घास में से बने हैं। हो ये जौ गेहूं मटर ये सब घास हैं। ये घास माने पशु दूसरे ढंग की घास चरते हैं और मनुष्य दूसरे ढंग की घास चरते हैं, सब घास से बने हैं। और ये मांस जितने हैं, मांस के पुतले, ये मरने पर सब के सब घास होते हैं। मांस और घास दोनों की दुनिया, मांस घास हो जाती है और घास मांस हो जाती है। और ये दोनों, गंगा जी ने कहा ये दोनों मेरी गोद में हैं। अगर मैं न हूं जल रूप से, पानी के रूप में मैं न हूं, तो मांस का घास भी न बने और घास का मांस भी न बने, है ना। तो मैं हूं गंगा, जल रूप से संपूर्ण घास और मांस को पैदा करती हूँ, धारण करती हूँ और अपने में लीन कर लेती हूँ। और वो परमात्मा जो है ना, वो बांगड़ ऐसे बोलते थे, वो बांगड़ है ना, वो महाराज टुकुर टुकुर देखते ही रहता है ना, न घास बनावे न मांस बनावे, न दोनों को काटे न मारे न हमसे कुछ कहे, वो तो बस टुकुर टुकुर दूर खड़ा देखता रहता है, निर्निमिष। टुकुर टुकुर माने बिना पलक गिराए हो अपलक, निर्निमेश नेत्रों से उसकी दृष्टि जो है उसका कभी लोप नहीं होता और हमेशा देखता रहता है। तो भाई वेदांत क्या ना, सत्संग मंडल की ओर से जब सत्संग का आयोजन होता है ना, तो आप लोग बड़ी गहरी गहरी शास्त्र की बात सुनते हैं। तो हम कहते हैं भाई शास्त्र की बात बहुत सुनी, जरा फक्कड़ों की भी दो एक सुन लो, है ना। ये फक्कड़ लोग जो हैं, वो जहाँ शास्त्र की पहुंच नहीं होती है वहां बैठ के बोलते हैं बोला। तो अभी आपको व्याख्या श्लोक की सुनावेंगे। भूत ग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य रागमे।